डैड। देव इतना लेट आ रहे हो बेटा, कहाँ थे अब तक? वो डैड मैं स्कूल में था, एनुअल फंक्शन आ रहा है ना, इसलिए प्रैक्टिस करने थे, लेट हो गया। ओके गुड, देखा कितना टैलेंटेड है मेरा बेटा, कितनी मेहनत करता है। देव बेटा जो तुम कर रहे हो वही करते रहो, और देखना एक दिन तुम अपने डैड से भी ज्यादा कामयाब होगे। थैंक यू डैड। दैट्स माय बॉय। फ्रेश हो गया तुम? ऑफ कोर्स। या गो बाय। क्या था ये? क्या? सच ने बताया मम्मा पापा को कि आपको स्कूल से एक्सट्रिकेट कर दिया गया, निकाल दिया है। तू चुप कर यार, चिल्ला क्यों रही है? और ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, स्कूल से तूने निकालवाया मुझसे। मैंने? हाँ तूने। तूने सच क्यों बोला? तूने झूठ क्यों नहीं बोला कि मॉम आउट ऑफ टाउन गए? रीजन आपको पता है, आप गलत थे। चिल्ला मत, मैं बड़ा हूँ तू नहीं। और अपना मुंह बंद रखना, मेरे रेस्टिकेशन के बारे में मॉम डैड को बताना तो बहुत बुरा होगा। वो वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं, और मॉम उनको पता चला सीधा दिल पे लगेगी, और तुझे पता है वो रो रो के मर जाएगी। तो अपना मुंह बंद रख, समझी? मेरी बात सुन ले, अब ये ऐसे ही चलेगा। मैं एक्टिंग करूँगा स्कूल जाने की, और डेली तेरे साथ घर वापस आऊँगा। मॉम डैड को पता भी नहीं चलेगा मेरे को स्कूल से निकाला गया है। थक गए हो ना बहुत? पापा मुझे बता रहे थे कि एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए तुम स्कूल में लेट तक रुके थे। हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपसे तो सीखा है, आपसे और डैड से, स्पेशली आपसे, आपने तो बनाया मुझे ऐसा हार्ड वर्किंग। इसीलिए तो रोज भगवान को थैंक यू बोलती हूँ मैं कि मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है, समझदार, हार्ड वर्किंग। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, मैंने आपके लिए कुछ लाया हूँ। हाँ हाँ, ओए मेरी बैग लाना, जाना जा, जा। ऐसे नहीं करते, क्या है इसमें? ये क्या है? मैं मंदिर गया था तो ये आपके लिए लेके आया। अंदर गए थे? सबको तुम्हारे जैसा बेटा मिले। चलो खाना खाने चलते, आज तुम्हारा फेवरेट बना है। ओके, मैं 5 मिनट में आया। ठीक है ठीक। चलो तुम भी। मेरा फेवरेट खाना तो बनाया ही नहीं होगा ना? तुम्हारा फेवरेट खाना भी बना है। चलो आ जाओ जल्दी। बाय। कैसे बेटे हो आप, अपनी माँ से भी झूठ बोलते हो? झूठ बोलने के लिए ना दिमाग चाहिए, और वो मेरे पास है, तेरे पास नहीं। तो अपना काम से काम रख, और हाँ गलती से भी मेरे रेस्टिकेशन के बारे में किसी को बताना मत।